Will you marry me? So cute. Come on, Kashish, please. Kush to reply karo na. Kashish, come on, yaar. Cute. Come on, Kashish, please. Kush to reply karo. हंसी तो हंसी भाई त्रिवेश भाई कशिश की स्माइल बताने की वो भी तुझे उतना ही लाइक करती है तो ठीक है फिर आप पार्टी चलते हैं अरे नहीं यार यू नो प्लीज तुम्हें मेरी कसम प्लीज आर यू मैड इतनी छोटी सी बात पे कोई कसम खा सकता है कशिश हमें आज ही पार्टी जाना है प्लीज चलो ना यार देख तुझे पता है ना मुझे वो रुक्मिणी गार्डन के प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए तैयारी करनी है और घर जाना बहुत जरूरी है मेरा लो टैक्सी मिल गई भैया शक्ति नगर चलोगे ओए चलोगे मतलब अगर नहीं चलेगा ना तो इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा क्या नाम है तेरा मोहन हाँ तो ठीक है मिस्टर मोहन मैडम को सही सलामत घर पहुंचा देना नहीं तो तेरी तो छोड़ भाई चलो ए सर औरतों और लड़कियों पर जुर्म दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं अगर समाज में जल्द से जल्द कोई बदलाव नहीं लाया गया ना तो इन मुजरिमों के हौसले और भी बढ़ जाएंगे जिम्मेदारी लेनी होगी लोगों को एक एक नागरिक को यह समझना होगा कि अगर वो चाहता है कि उसके माँ बहन बीवी बेटी सुरक्षित रहे तो आवाज उठाए अरे ये क्या लाश के चेहरे पे सिक्के चिपकाए हुए पर्स में पैसे वैसे के वैसे हैं लूटने के लिए नहीं मारा ऐसे कशिश नाम है इस लड़की का दया इसकी मौत गला दबाने से हुई है ये देखो गले पर ये निशान इस निशान के अलावा इसके शरीर पर कहीं किसी किस्म का कोई चोट का निशान नहीं मगर सर खूनी ने लाश के चेहरे पे सिक्के क्यों चिपकाए कोई तो कारण होगा फिर हो सकता है इन सिक्कों के जरिए खूनी कुछ कहना चाहता हो ये सारे सिक्के एविडेंस बैग में डाल दो कौन से चिपकाए गए ये सिक्के दया ये देखो सर एक बात समझ में नहीं आ रही खून करने के बाद खूनी के दिमाग में अक्सर पहला ख्याल क्राइम सीन से भागने का होता है लेकिन ये खूनी के पास तो कुछ ज्यादा ही फुर्सत थी आई मीन इतने सारे कॉइन्स चिपकाने के लिए उसे बहुत ज्यादा वक्त लगा होगा शायद खूनी को देखे जाने का या पकड़े जाने का कोई डर नहीं होगा ऐसा कैसा खूनी है अब ये तो उसी से पूछना पड़ेगा मगर कैसे सर हमें तो ये भी नहीं पता कि खूनी कौन है एक मिनट शायद इस फोन से पता चलेगा आप लोगों में से कोई इस लड़की को जानता है नहीं सर नहीं सर नहीं जी नहीं सर नो सर नो सर किसी ने कुछ देखा यहाँ पे कुछ होते हुए सर नहीं देखा रात 8 बजे किसी ऋषि के साथ बात हुई है हाँ ऋषि नहीं कशिश नहीं है मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूं पहले यह बताओ कि कल रात 8 बजे तुम्हारी कशिश के साथ क्या बात हुई थी ठीक है और ये काम कहां करती थी कशिश हाँ कशिश है ओके ओके ठीक है ये कशिश किसी एनजीओ के लिए काम करती थी और ये ऋषि जिसके साथ उसकी बात हुई थी रात को 8 बजे वो उसका पार्टनर है उसका कहना है कि किसी मीटिंग के बारे में बात हुई थी कहीं ऋषि झूठ तो नहीं बोल रहा है अब ये ऋषि झूठ बोल रहा है या सच अब
वो तो इस एनजीओ के ऑफिस में जाने के बाद ही पता चलेगा। सर कशिश काम में अच्छी थी बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसका खून। मुजरिम खून करने से पहले ये नहीं सोचता ऋषि जी कि वो जिसे मारने जा रहा है वो इंसान अच्छा है या बुरा। खैर कल रात कशिश ऑफिस से कितने बजे निकली थी? करीबन 7:30 बजे। कुछ बताया था उसने कि वो कहाँ जा रही है? नहीं बताया तो नहीं था, पर उसे 5 बजे एक कॉल आया था और फोन पे कह रही थी कि रात को 9 बजे श्यामनगर के स्काईवॉक पे मिलेगी। सर श्यामनगर के स्काईवॉक पे ही तो कशिश का खून हुआ था। पहले ये पता करना होगा कि वो कॉल कशिश को किया किसने था। आप इनको जानते हैं? जी ये तो मेरी फ्रेंड कशिश है। सर क्या बात है, क्या हुआ? इनका खून हो गया है। क्या खून? ये नहीं हो सकता, कशिश का खून कैसे हो सकता है? लगता है आपकी बड़ी गहरी दोस्ती थी उससे। कशिश मेरी बहुत करीबी और अच्छी दोस्त थी। कल रात को तो हम साथ में ही थे। सर कब हुआ ये सब? कल रात 12 बजे के करीब। तुम कितने बजे मिले थे कशिश से? सर यही कोई 8:30-9 बजे के करीब। और कितने बजे तक साथ में थे? सर 11:15 तक हम लोग साथ में ही थे, और फिर मैंने उसे टैक्सी में बिठाया और वो अपने घर निकल गई। मुझे क्या पता था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। टैक्सी का नंबर वगैरह कुछ याद है आपको? नंबर तो क्या सर, आप चाहें तो मैं आपको उस टैक्सी वाले से भी मिलवा सकता हूँ। उस टैक्सी ड्राइवर को जानते हो? जानता क्या हूँ सर, मैं आपको अभी मिलवा देता हूँ, इसी ऑफिस में काम करते हैं। मोहन CID वाले मिलने आए। हेलो। तो तुम ऑफिस में भी काम करते हो और टैक्सी भी चलाते हो? जी सर, दिन में काम करता हूँ, रात को टैक्सी चलाता हूँ। कल रात को कशिश को घर तो भी नहीं छोड़ा था ना? जी मगर बात क्या है सर? क्यों मारा उसे? कशिश मर गई। अच्छा, पहले फोन किया और अब ड्रामा कर रहे हो, क्यों मारा उसे? सर मैंने नहीं मारा, मैंने तो उसको आपने घर छोड़ा था सर। घर नहीं छोड़ा तुमने उसे, उसे श्यामनगर के स्काईवॉक पर लेके गए, उसका खून कर दिया। मैंने नहीं मारा सर, मैंने उसको उसके घर छोड़ा था। तो तुमने उसे घर छोड़ा था है? जी। क्या प्रूफ है? सर प्रूफ नहीं है सर, उनके बिल्डिंग में भी कल रात को कोई नहीं था सर। कितने बजे छोड़ा था? 11:35। सर वक्त बराबर से याद है इसे। नाइट चार्ज लगेगा या नहीं ये चेक करने के लिए मैंने टाइम चेक किया था सर। सोच लो मोहन, तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ, ये बात हमसे छुपेगी नहीं। गम कोई खास किस्म की गोंद है क्या? नहीं बस बहुत ही साधारण सी गोंद है जो आम तौर पर घरों में और ऑफिस में इस्तेमाल की जाती है। ब्रांड का पता चला? रेड ग्लू। रेड ग्लू? सर ये तो बहुत ही कॉमन ब्रांड है, हर दूसरी दुकान पे मिलता है। हाँ खुन्नी ने सोचा होगा अगर वो कोई खास ब्रांड का गम इस्तेमाल करे तो आसानी से पकड़ा जाएगा। खैर सर, लड़की के गले पर जो उंगलियों के निशान है क्या मोहन की उंगलियों के साथ मैच करते हैं? नहीं सर, गले पे तो क्या, इन सिक्कों पे भी मोहन के उंगलियों के निशान नहीं मिले। तो मोहन के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत ही नहीं? सबूत ना सही अभिजीत, लेकिन
उम्मीद की एक किरण तो है। अच्छा, उम्मीद की किरण? वैभव, वैभव नाम है उस उम्मीद की किरण का, याद है? वैभव, कुछ दिनों पहले तारिका के साथ लंच कर रहा था वैभव। हाँ, इतनी भी कमजोर याददाश्त नहीं है मेरी। आप ये बताइए कि आपको मौत का समय पता चला? अभिजीत, मौत रात को 12:30 से 1:30 बजे के बीच हुई थी। हाँ, आओ आओ वैभव आओ, 100 बरस जियोगे दोस्त तुम, अभी तुम्हारी बात कर रहा था मैं। वैभव। हेलो सर। रिपोर्ट मिली? हाँ सर। सर, बॉडी पे ना तो मोहन के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और ना ही डीएनए मैच हुआ है। अरे, पूरा यकीन है कोई गलती तो नहीं हुई तुमसे? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, फोरेंसिक से भले कोई सबूत ना मिला हो लेकिन हम कोई और सबूत ढूंढ लेंगे। सर सर, ये यही यही जगह है जहां कल रात कशिश जी को मैंने छोड़ा था, ये बिल्डिंग के सामने यहाँ पे। सर, यहाँ आसपास तो कोई वॉचमैन नजर नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ कि कशिश को छोड़ने के बाद तुम कहाँ गए? वो नीलम चौक से एक पैसेंजर को उठाया था। और फिर कहाँ छोड़ा था, जगह दिखाओ। चलो। अरे वॉचमैन। हाँ साहब। कल रात को 1:30 बजे के आसपास कोई टैक्सी आई थी क्या यहाँ पे? हाँ साहब, 1:45 बजे के आसपास एक टैक्सी आई तो थी। सतीश साहब उतरे थे उससे, शराब कुछ ज्यादा ही पी रखी थी उन्होंने। अरे तुम्हारे सतीश साहब रहते कौन से फ्लैट में? मेरा ही नाम सतीश है और कल रात गया था मैं बार में, इसी टैक्सी ड्राइवर ने मुझे घर पे छोड़ा था। कितने बजे? यही कोई 1:45 बजे। सर अब तो यकीन हो गया ना कि मैं सच बोल रहा हूँ? और इसे छोड़ने के बाद कहाँ गए थे तुम? MI रोड पे चाय पी थी मैंने। यहाँ पे आए थे? बस इधर चाय पी थी मैंने। ये कल रात चाय पीने के लिए आया था क्या? हाँ सर, ये तो अक्सर यहाँ पे देर रात चाय पीने के लिए आता है, चाय पी करके सीधा घर चला जाता है। कल रात 2:15 बजे के लगभग यहाँ से गया है। समय का बड़ा अंदाजा है तुम। हाँ सर, वो क्या है कि उसी टाइम पे रात को FM पे मेरा फेवरेट प्रोग्राम आता है ना, इसीलिए मुझे पता है। सर उसके बाद मैं सीधा अपने घर गया था। ये मेरे बाबूजी हैं, ये चल फिर नहीं सकते। मम्मी। नमस्ते। नमस्ते। हम लोग CID से। CID से? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, ये लोग सिर्फ जानना चाहते हैं मैं कल रात कितने बजे घर आया था। 2:30 बजे। क्या किया इसने और आप मेरे बेटे पे शक क्यों कर रहे हो? माँ जी, हम आपके बेटे पे शक नहीं कर रहे बल्कि शक को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर अगर अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मेरी पड़ोसी से पूछ लीजिए, रात को मुझे आते हुए उन्होंने देखा था। चलो। एक्सक्यूज मी। जी। अच्छा क्या आप ये बताएंगी कि कल रात मोहन को आपने घर वापस आते हुए देखा था क्या? जी देखा था। अच्छा कितने बजे देखा था? यही कोई 2:30 बजा होगा। वैसे इतनी रात तक आप क्यों जगी थी? जी मेरे पति ऑटो ड्राइवर हैं और रात को देर से आते हैं, उन्हीं के लिए खाना बना रही थी। सर अब तो यकीन हो गया ना आपको? ठीक है निखिल, अगर ये सच बोल रहा है तो खून किया किसने? सर, मोबाइल कंपनी वालों का कहना है कि रात 11:30 बजे कशिश का मोबाइल बंद हो गया था सर, और उसकी लोकेशन उसके घर के पास ही बता रही है सर। रात के 11:30 बजे कशिश का फोन बंद हो गया, तो इसका मतलब है जैसे ही कशिश मोहन की गाड़ी में बैठी टैक्सी में, उसका फोन बंद हो गया उसी वक्त। सर नॉर्मली लड़कियां रात को बस या टैक्सी में ट्रैवल करती हैं तो वो अपना फोन ऑन ही रखती है, किसी ना किसी से बात करती रहती है कि वो यहाँ तक पहुंची और कुछ ही देर में घर पहुंच जाएंगे। अगर पूर्वी, हो सकता है कि उसकी बैटरी खत्म हो गई हो। हाँ हो सकता है पंकज कि बैटरी खत्म हो, लेकिन इस केस में बैटरी खत्म नहीं हुई है ना, कशिश ने अपने ही मन से फोन बंद किया।
ये फोन बंद किया है उस खूनी ने। खूनी ने बंद किया है फोन ताकि किसी को पता न चले कि वो कहाँ है उस वक्त। अरे कितनी बार कहा है कि मेरी चिंता करना छोड़ दो, अरे मैं बच्ची नहीं हूँ। हाँ हाँ बाबा, घर पहुँचते ही फोन करूँगी। ओके, लव यू, बाय। सिक्का मेरी नाक पे कैसे आया है? लगता है जरूर ऊपर वाले ने तुझे मेरी दवाई के लिए भेजा है। जुगाड़ हो गया दारू का, अब तू नहीं बचेगा। आजा मेरी जेब में। लग रहा है आज मेरी किस्मत में भगवान ने लॉटरी लगाना लिख दिया है। ढूंढते हैं और ढूंढते हैं और मिलेगा, देखते जाओ। भगवान करेगा इंतजाम। अबे एक और पॉइंट तू भी मेरे नसीब में ही लिख गया है, आजा। बिल्कुल वैसे ही मारा है दया, जैसे कशिश को मारा था। पूरे चेहरे पर ये सिक्के चिपकाए और गला घोंट के मारा। रेडी, जरा जरा देखो आसपास, पूछो किसने कुछ देखा है क्या। जल्दी सर जाओ। खूनी सर फिरा लगता है सर, पहले लड़कियों को मारता है और फिर उसकी लाश को स्काईवॉक में फेंक देता है, चेहरे पे ये सिक्के चिपका के। सर लगता है मासूम भोली भाली लड़कियों का खून करना खूनी का शौक है। सर ऐसा लगता है ये खूनी उन्हीं लड़कियों को निशाना बना रहा है जो शायद इस शहर में अकेली रहती है। पता लगाना पड़ेगा दया, क्या ये लड़की भी कशिश की तरह शहर में अकेली रहती है क्या। सर सर आईडी कार्ड मिला, नाम अनीता है, मिलत नगर में रहती थी और सीनियर कॉस्मेटिक्स में काम करती थी। अनीता, समझ में नहीं आता क्या वजह हो सकती है कि ये खूनी शहर में अकेले रहने वाले लड़कियों को ही अपना निशाना बनाता है। तुमने फोन किया था? हाँ साहब। लाश को कितने बजे देखा? जब फोन किया तभी देखा साहब, वो मैंने थोड़ी पी रखी थी ना, इसलिए वक्त का अंदाजा नहीं लगा। इतनी पीते क्यों जो वक्त का होश नहीं रहता है?
होश था ना साहब, तभी तो फोन किया। चलो हटिया, तब तक ये बेचारी मर चुकी थी। सर मैंने आसपास के लोगों से और दुकानदारों से पूछताछ की है, किसी ने भी इसका खून होते हुए नहीं देखा। इसे ले जाओ और इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। चलो सर, ऐसा लगता है ये खूनी लड़कियों को कहीं और मारता है और लाश यहाँ स्काईवॉक में फेंक देता है। हाँ यहाँ से तो जरूर कहीं दूर पर ही मारता होगा, लेकिन उठा कर तो नहीं ले आ सकता, जरूर किसी गाड़ी वाड़ी में लेकर आता होगा ये। पूर्वी सर जरा पता लगाओ ये मोहन कल रात था कहां पर। सर आपको लगता है कि इन सब में मोहन का हाथ है? समझ में नहीं आ रहा गया, लेकिन एक बात खटक रही है कि जैसे ही हमने मोहन पर से नजर रखना छोड़ दिया और एक लड़की की मौत हो गई। पता लगाना पड़ेगा ये अनीता कल ऑफिस से कब निकली थी और किसके साथ निकली थी। हाँ सर, उस दिन मैडम अकेले गई थी ऑफिस से। और यहाँ से वो गई कैसे थी? सर एक टैक्सी लेने आई थी उन्हें लेने के लिए। टैक्सी? अच्छा उस टैक्सी का नंबर याद है तुम्हें? हाँ सर, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ, यहाँ जो भी टैक्सी आती है उसका नंबर लिखता हूँ सर। एक मिनट। सर ये SZ02V816। सर ये तो मोहन की टैक्सी का नंबर है। हाँ। अगर खूनी लड़की को किडनैप करके यहाँ से कहीं और ले गया है तो फिर लड़की चीखी चिल्लाई क्यों नहीं? फिर हो सकता है खूनी ने उसे कोई नशीली चीज सुंगा दी। हाँ सर, फिर उसका खून करके यहाँ लाके उसको फेंक दिया। हाँ, चेहरे पे सिक्का चिपकाने के लिए वक्त चाहिए और इतना वक्त वो यहाँ पे नहीं लगा सकता था, वरना आते जाते कोई ना कोई उस खूनी को जरूर देख लेता। फिर भी सर, पर सर खूनी लाश को यहाँ पर वापस लाया क्यों और वो लाश को लाया कैसे होगा? बोरे में डाल के। मुझे तो लगता है सर खूनी लाश को बोरे में डाल के लाया होगा यहाँ पे। नहीं फ्रेडी, नहीं, ये खूनी शायद लाश को इस गार्बेज के बॉक्स के अंदर डाल के लाया होगा, इसलिए किसी ने उसे देखा नहीं। एक काम करो, आसपास देखो कोई सुराग मिलता है क्या किडनैपिंग का। सर डस्टबिन में ये सिक्का मिला। सर कहीं ये कॉइन खूनी का तो नहीं? हाँ पूर्वी, ये सिक्का खूनी का ही है। इस पे भी ठीक वैसे ही गम लगा हुआ है जैसे उन सिक्कों पे लगा हुआ था जो उन लड़कियों के चेहरे पे चिपका हुआ था। हेलो, हाँ क्या? अच्छा क्या हुआ सर? वनिता, अनिता भी आखिरी बार मरने से पहले मोहन के टैक्सी में ही बैठी थी। प्रियंका, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे पता है। तो अगर तुम कल फ्री हो तो क्या हम दोनों फिल्म देखने जा सकते हैं? मोहन, तुम्हारे साथ फिल्म देखने की बजाय मैं खाली थिएटर में फिल्म देखना पसंद करूंगी, सो प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। मैं मोहन कितना बेइज्जत होगा भाई, इस ऑफिस का हीरो ना सिर्फ एक है और वो हूं मैं। क्यों प्रियंका जी? ऑफ कोर्स रिवेश, हम डिनर के लिए कब चल रहे हैं? अब क्या है ना,
थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। सर आप लोग खूनी मिल गया क्या? हाँ खूनी मिल गया, ये रहा खूनी। सर ये तो मेरी फोटो है सर। हाँ तुम्हारी ही फोटो है, कशिश की जान लेके दिल नहीं भरा तुम्हारा, जो एक बार मासूम को अपना शिकार बना लिया तुमने। नहीं सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खून नहीं किया है सर। इसका जवाब तुम यहाँ नहीं सीआईडी के इंटरोगेशन रूम में दोगे, चलें सर। नहीं सर। सचिन कुछ मिला क्या? हाँ सर, चॉकलेट रैपर और थोड़े बहुत बाल और नाखून के टुकड़े मिले हैं सर। कमाल है, आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है, टैक्सी में नाखून काटते हैं। अभिजीत। हाय है। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, क्या क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मुझे क्या होगा, मैं तो बस तुम्हारे बाल। अभिजीत बाल? आई थिंक यू नीड अ हेयर कट। हेयर कट? हाँ। बात क्या है, क्योंकि मैंने कल ही बाल कटवाए हैं। मैं डर गया था सर, मेरा हाथ अंदर फंस गया था इस गोंद की वजह से। सर और मुझे कितनी देर यहाँ बैठना पड़ेगा? जब तक तुम ये नहीं बता देते कि ये खून तुमने क्यों किया है। सर मैंने खून नहीं किया है। सर आप लोग मुझे बेवजह फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सर प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए सर। पहचानते हो इसे? हाँ हाँ सर, यही थी कल रात को टैक्सी में। तो इसी की लाश मिली हमें कल रात, उसी हालत में जिस हालत में कशिश की मिली थी, समझे? इसका भी खून? हे भगवान, ड्रामा मत कर, तूने खून किया इसका। मैं क्यों मारूंगा सर? सर इसको मैंने कल रात को अपने घर पे छोड़ा था। कितने बजे? 11:15। फिर मैं अपने घर गया सर। घर गए? नाइट ड्यूटी करते हो ना तुम, हाँ? तो घर कैसे गए? सर सॉरी, बट क्या हुआ कि मैंने कल वो ढाबे पे आलू पराठे खा लिए सर, पेट मेरा इसलिए घर गया सर। नाटक अच्छा कर लेते हो। सर नाटक नहीं है, सच्चाई है सर। और एक सच्चाई ये भी है, ये गोंद की बॉटल, ये मेरी टैक्सी में से ड्रामा, ये ब्रांड का गोंद, ये शहर के का बच्चा इस्तेमाल करता है सर। अच्छा, फिर तो इस गोंद की बोतल के ऊपर जो उंगलियों के निशान है वो भी तुम्हारे नहीं होंगे। सर चेक कर लो सर प्लीज। सर बहुत बड़ी प्लानिंग की है इसने, ग्लव्स पहन के ये गोंद लगाता होगा।
सर आप लोग फिर से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहे तो मेरे पड़ोसी से पूछ लीजिए, मैं कल रात को जल्दी घर पहुंचा था और सुबह तक वो बाथरूम के चक्कर में। उन्हीं दो लड़कियों का खून क्यों हुआ जो तुम्हारी टैक्सी में बैठी थी? क्यों सर? मुझे ऐसा लगता है, शायद कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा हो सर। कौन? कोई दुश्मन है तुम्हारा? दुश्मन नहीं, ऐसा तो कोई याद नहीं आ रहा है, पर तो फिर कौन फंसा सकता है तुम्हें? ये तो आप लोग का काम है ना सर, आप लोग पता कीजिए। मैं तो शरीफ आदमी हूँ, आप लोगों के हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ, फुल कोऑपरेट कर रहा हूँ ना सर। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, आपने इसे जाने दिया? मुझे पता है तुम मुझे बहुत मिस करे। तुम वापस कब आ रहे हो? पता है मुझे दिल्ली दूर नहीं है, फ्लाइट में बस 2 घंटे लगते हैं। मैं अपना ख्याल रखूंगी, मुझे पता है उस खूनी के बारे में। ठीक है, जल्दी आना, रखती हूँ, बाय, टेक केयर। नहीं मैडम, चेक करता हूं। खोल दिया। अब हम पूर्वी को देखेंगे कैसे? पूर्वी नहीं दिखाई दी तो क्या हुआ? तो मोहन तो हमारी नजरों के सामने है ना। मैडम वो इंजन गरम हो गया है। कितना वक्त लगेगा? 2 मिनट्स। पूर्वी कहाँ चली गई? मैडम वो मैडम ए, वो लड़की कहाँ है? साहब उसको मैं भी ढूंढ रहा हूँ, पूरे 150 रुपए बनते हैं मेरे। कई ये ड्रामा बनकर समझा? बता कहाँ गायब किया पूर्वी को तूने? अरे साहब मैं सच बोल रहा हूँ, आप हमेशा मेरे को क्यों पकड़ते हो? क्योंकि हमेशा तेरे टैक्सी में बैठने वाली लड़कियाँ मुसीबत में पड़ जाती हैं। बोल सर। साहब सर, पूर्वी के पर्स में हमने जो ट्रैकर डाला था वो इस वक्त स्काईवॉक पे ट्रेस हो रहा है। स्काईवॉक पे? हाँ साहब। तुझे बाद में देखता हूँ। सर इधर। प्रीडी, बिना वजह गोली नहीं चलाना, खूनी को जिंदा पकड़ना है। समझ गए सर। बस पहुंचने वाले सर। ओह नो सर, ये तो पूरी का पर्स है।
सर, ट्रैकर तो इसी में। ओह, इसका मतलब खूनी को शक हो गया था कि पूर्वी के बैग में ट्रैकर है, इसलिए बैग को यहाँ फेंक के भाग गया वो। हाँ सर, और पूर्वी को भी साथ में लेके गया। एक काम करो फ्रेडी, तुम उस तरफ देखो, हम लोग यहाँ देखते हैं। तुम यहाँ देखो। यस सर। अरे भाई साहब, आपने इस लड़की को देखा है? इस लड़की को यहाँ अभी देखा है? पूर्वी नाम है इसका, सीआईडी ऑफिसर ही है। सुनो, इसको देखा है? इसको देखा है? जी नहीं। आफ्रेडी। सर, कई सारे लोगों से पूछा, पूर्वी का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। हाँ सर, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि पूर्वी अचानक गायब कहाँ हो गई। मगर मेरी समझ में आ रहा है, ये देखो, यहाँ पे शायद डस्टबिन था, पूरी को उसमें डाल के ले गए। मतलब सर, दोनों लड़कियों की तरफ खूनी ने पूर्वी को भी कूड़ेदान में? हाँ फ्रेडी, और अगर हमारा अंदाजा सही है तो ये खूनी हमारे बिछाए हुए जाल में फंस गया। श्रेया, तुमने सारे डस्टबिन में ट्रैकर लगाए थे ना? हाँ सर। जरा चेक करके देखो कहाँ पर है वो। मिल गया। इस वक्त ये डस्टबिन चांदपोल गली में है और बापू बाजार की तरफ बढ़ रहा है। चांदपोल गली, वो तो पास में ही है। चलो। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहीं कहीं आसपास होना चाहिए, ढूंढो। अभिजीत, पूर्वी का कुछ पता चला? नहीं अभी तक नहीं, मगर वो है इसी बिल्डिंग में। सीआईडी? ए रुक, वरना गोली मार दूंगा। पूर्वी, पूर्वी, कहाँ कहाँ है? तो तुम हो? हाँ मैं। क्यों, बहुत हैरानी हो रही है मुझे देख के?
नहीं बिल्कुल नहीं, मगर अब जो तुम्हारे साथ सलूक होगा उसे देखकर तुम्हें जरूर हैरानी होगी। नहीं 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 देर संभाल के, कहीं ऐसा ना हो इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़े, संभाल के। अभिजीत इसे तो पोस्टमार्टम के लिए तो अभी तुम लोगों की लाशें जाएंगी। मोहन छोड़ो छोड़ो उसे, छोड़ो मेरे भाई को। भाई ये तुम्हारा भाई है? हाँ वो मेरा छोटा भाई है और उसने जो कुछ भी किया है मेरे कहने पे किया है। छोड़ो उसे वरना मैं तुम्हारी ऑफिसर को यही ढेर कर दूंगा। मगर तुम दोनों मासूम लड़कियों को मार क्यों रहे हो? क्योंकि नफरत है मुझे काम करने वाली लड़कियों से। क्यों क्यों नफरत है? क्या बिगाड़ा इन भोली भाली लड़कियों ने तुम्हारा? लड़कियों का काम है घर संभालना, चूल्हा चौका करना, मर्दों के साथ बराबरी करने का ये सोच भी कैसे सकती है? पैसा कमाना इनका नहीं, हम मर्दों का काम है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर काम करने का, समाज के अंदर अपनी पहचान बनाने का जितना हक लड़कों को है उतना ही हक लड़कियों को भी है, समझे? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पैसों के लिए उसने मुझे ठुकरा दिया, मेरे प्यार का गला घोट कर। सुनीता पैसे ये रखो, ये 380 है और पैसे आ जाएंगे। हाँ 380, इससे मेरी मम्मी का इलाज हो जाएगा? नहीं वो और पैसे आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। फिक्र ना करूं, 380 में कुछ नहीं होगा, मेरी मम्मी मर जाएगी। कितनी बार कहा था मैंने आपको कि मुझे काम कर लेने दीजिए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। और आज के बाद मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत दीजिएगा, मैं कह दे रही हूँ। सुनीता मेरी बात सुनो। छोड़िए मुझे। सुनीता शाम नगर के स्काईवॉक पे तड़पता हुआ छोड़ कर चली गई थी वो। कशिश को कैसे मारा तुम लोगों ने? जैसे ही मैंने कशिश को उसके घर छोड़ा, रिवेश उसका वहां इंतजार कर रहा था। मगर उस वक्त तुम तो पार्टी में थे ना? था, लेकिन कुछ समय के लिए मैं पार्टी से बाहर आ गया था और तभी मैंने इस जुर्म को अंजाम दिया। और अनीता, अनीता को कैसे मारा? पहले मैंने उसे डराया, धमकाया और फिर नहीं नहीं प्लीज नहीं नहीं। इन लड़कियों को मारने से पहले उन्हें सबक सिखाना भी बहुत जरूरी होता है, समझे? सबक तो हम तुम दोनों को सिखाएंगे कि अगर औरत ना होती तो तुम दोनों भी इस दुनिया में नहीं होते, समझे? वाह तो फिर चलें। बिल्कुल, जो भी औरत को अबला या कमजोर समझेगा और उस पर जुर्म ढाएगा उसका जेल जाने से पहले यही अंजाम होगा। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।